क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। ए बी सी डी में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, इसमें आपने पहले भी किया होगा। देखो तो ये है आपका C2H5Cl, KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है Cl हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा CN, तो C2H5CN आ जाएगा। ठीक है, अब AgCN के साथ देखो, AgCN में आपको बताया था ये कोवलेंट करेक्टर होता है, कोवलेंट करेक्टर की वजह से ये बनता है आइसोसाइनाइड, तो ये बन जाएगा C2H5NC, आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना, क्योंकि AgCN क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है और ये आयनिक कंपाउंड होता है, तो ये आयंस में बन जाएगा, ये कोवलेंट की वजह से आइसोसाइनाइड बनाता है। अब अगर एल्कोहलिक होगा तो एल्कोहलिक क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। और ये एक्वस है, एक्वस की वजह क्या करेगा, Cl को हटाएगा, OH आ जाता है, तो हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, इसीलिए इसका फर्स्ट आंसर ही हो गया, ए है C2H4, बी है C2H5OH, सी है आपका C2H5NC यानी आइसोसाइनाइड, और डी में है साइनाइड। ठीक है, तो ये आपको, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ रहा था इसलिए मैं आपको पूछ नहीं पाया इसे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको किसका क्या रोल है, बस ये देखना है आपने। और ये सब Cl के साथ ही रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे एल्कोहल होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, ध्यान रखना, या और कोई ग्रुप होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, ये केवल Cl के साथ ही रिएक्शन करता है इस टाइप की, तो हर एक के लिए एक पर्टिकुलर होता है। तो समझ में आ गया ये वाला, कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ जाऊं? अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ क्या होगा, पहले खुद ही बता दो आप। अनलाइक सी PbCl2, PbI4 एंड PbBr4 आर नॉट फाउंड बिकॉज, पहला है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दूसरा आयोडीन एंड ब्रोमीन आर ऑफ लार्ज साइज, थर्ड इज आयोडीन एंड ब्रोमीन आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज Pb2+ टू Pb4+, और द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। खुशी, ओके, लक्ष्मी, ओके, तो और अनुराधा, तो इसका आंसर है जो, इसका आंसर लक्ष्मी ने सही आंसर दिया, इसका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रीजन क्या होता है, देखो रीजन ये है कि जो Cl4 होता है क्लोरीन, अभी हमने कहा था क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बताया था कि फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन होता है जो, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो क्या होता है, जो पीबी होता है Pb2+ को Pb2+4+ में इजिली कन्वर्ट कर देता है, कौन, क्लोरीन, इसीलिए PbCl4 इज पॉसिबल, ये बन जाता है। बट इन केस ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन, क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन होता है इसका साइज बड़ा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये Pb2+ को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, Pb2+4+ में अनेबल टू ऑक्सीडाइज, ये कर ही नहीं पाता क्योंकि वीक होता है, वीक होने की वजह से अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो PbBr4 का मतलब ये +4 में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, और ये PbI4 का मतलब ये +4 है, तो ये हो ही नहीं पाएगा, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, दिस इज हाईली अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल होंगे और अनस्टेबल होने की वजह से क्या है, फाउंड नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो ये होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कैन नॉट कन्वर्ट Pb2+ टू Pb+4, हेंस PbI4 एंड PbBr4 इज नॉट फाउंड। क्लियर है, ये रिपीट लिख देना अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 29, ग्लूकोज रिएक्ट विद एस
एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, अगर ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से तो क्या बनेगा? ओके लक्ष्मी, और इसके अलावा आंसर? खुशी, तो देखो अनुराधा, ओके इसका आंसर लक्ष्मी और खुशी ने सही दिया। ग्लूकोज होता है देखो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सी एच ओ एच का होल फोर होता है और सी एच टू ओ फाइव होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब होता है सी एच थ्री सी ओ का होल ट्वाइस ओ। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या बताता है कि फाइव ओ एच ग्रुप है, तो ये ओ एच ग्रुप जहां पे होगा वहां पे अटैक करेगा और ये बना देता है पेंटा एसिटेट। क्योंकि ये किसके लिए यूज होता है? ओ एच ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, इसमें कितने ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्योंकि ग्लूकोज में फाइव ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होते तो ये यहीं पे अटैक करेगा ओ एच के पास और ये बना देगा पेंटा एसिटेट। ठीक है, इसीलिए इसी से पता चला हमें कि जो ग्लूकोज होता है उसमें फाइव ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आंसर इज पेंटा एसिटेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30, एसीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट तो क्या बनेगा? अगर एसीटोन का मतलब क्या हुआ? सी ओ, ओके अनुराधा, खुशी और लक्ष्मी, नहीं मिस कर गई लक्ष्मी आपकी बात। ठीक है, इसका आंसर दोनों ने सही दे दिया है, खुशी एंड अनुराधा। देखो कभी भी ध्यान रखना, जैसे आपने सी डबल बॉन्ड ओ देखोगे ना आप, तो ध्यान रखना किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसी के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें भी ऑक्सीजन में क्या होता है? नेगेटिव होता है और कार्बन में प्लस होता है। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है? सी एस थ्री एम जी बी आर, ठीक है एम जी बी आर, तो ये एम जी होता है प्लस, ये होता है आई माइनस का, तो ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। एम जी कहाँ अटैक करेगा? इस पे, तो ये बन जाता है सी है। यहाँ पे देखो एक सी एस थ्री यहाँ था, दूसरा सी एस थ्री यहाँ है, एक सी एस थ्री और अटैच हो गया इसमें। कहाँ से आया ये? ग्रिग्नार्ड एजेंट से आया ना ये, तो ये तीन सी एस थ्री हो गए ओ एम जी बी आर। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब ओ एच माइनस और एच प्लस। तो जो एम जी होता है, एम जी में कौन सा होगा? प्लस चार्ज, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। वाटर कैसे टूटेगा? ओ एच माइनस और एच प्लस, तो ये एच इसके साथ अटैच होगा, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? टर्सरी एल्कोहल हो गया। तो ये टर्सरी एल्कोहल बनाता है हर हमेशा, ठीक है ये बना देता है टर्सरी एल्कोहल, वन टू थ्री और ये ओ एच, और यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा? ये बाहर निकल जाएंगे एम जी बी आर एंड ओ एच, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्सरी बनाएगा एल्कोहल, तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एसीटोन में टर्सरी एल्कोहल। अब क्वेश्चन नंबर 31, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, मुझे लग रहा है आपको। इसमें से बताओ, देखो बेसिक किसे कहते हैं? बेसिक का मतलब जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर देता है, इजिली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो जितनी जल्दी डोनेट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट करेगा, ठीक है डोनेट कर देगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, और जो देर में डोनेट करेगा वो वीक बेसिक होता है। इसमें से कौन सा आंसर आप टिक करोगे? ओके खुशी ने तो बता दिया आंसर, और कोई आंसर? अनुराधा, ओके और लक्ष्मी, तो इसमें लक्ष्मी और अनुराधा का सही आंसर हो गया। थोड़ा खुशी मिस कर गई। देखो तभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है कि हमने कहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी डोनेट करेगा, तो होता क्या है? देखो जब नाइट्रोजन यहाँ पे है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब इसमें फ्लोरीन लग गया, ठीक है, और आपको पता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन में क्या होगा? नाइट्रोजन बेचारा सेड दिख रहा था आपको, लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में? क्या ये गरीब है बहुत ज्यादा, दिखने में लग रहा है आपको सूट पैंट पहन के आया हुआ है तो आपको लग रहा है ये बहुत सेट है, लेकिन एक्चुअल क्या है? वो सब उधार मांगे हुए उसने, तो ये क्या है? प्लस चार्ज आ गया इसमें। ठीक है,
अब ये प्लस चार्ज आ गया, क्यों आया? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके सामने खड़ा हुआ है, तो इन्होंने सारे इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिए बाहर को, तो ये प्लस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां से देगा, बेचारा खुद गरीब है, ठीक। इसीलिए क्या हो गया, लीस्ट बेसिक हो गया, कौन? ए, ठीक है। दिखने में लग रहा है बिल्कुल सही आंसर, लेकिन है क्या इसका आंसर अपोजिट में, ये वाला, ठीक। तो ए इज द, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखो, ये लग रहा है आपको, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हो जाता है इस तरीके से, अगर मैंने कहा बेसिसिटी को चेक करोगे आप, तो बेसिसिटी ऐसे जाती है इसमें, सेम फंडा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा है यहाँ पे। आई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये सबसे वीक बेस है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 32 क्वेश्चन पे, 32 जो नहीं आएगा उसे मुझे पूछ लेना फिर से, इसको रिपीट लिख देना यहाँ पे, रिपीट, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो उसे दोबारा पूछ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंटर आयनिक डिस्टेंस फॉर CSCl, ये थोड़ा सा अलग होता है। CSCl एक्चुअल में क्या होता है, BCC टाइप होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये जैसे NaCl होता है, NaCl होता है FCC टाइप, ठीक है। ऐसी जो CSCl होता है, ये होता है BCC टाइप, ठीक। तो अब BCC से आप समझ जाओ, CSCl BCC होता है, BCC में आपको बताना है इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब, आपको D बताना है, D इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब D बताना है आपको। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? और ये ओके, अनुराधा, खुशी, तो BCC के लिए हाँ, तीनों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा, देखो A इज इक्वल टू होता है 4/√3R, ठीक है, और D इज इक्वल टू पता हमें 2R, तो यहां पे हो जाएगा A इज इक्वल टू 2D/√3। तो ये यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा √3A/2, इसीलिए C इज द राइट आंसर। तुमने सही आंसर दिया बिल्कुल आप लोगों ने, तो 32 का आंसर इज C। अब 33 आंसर, ये थोड़ा दिखने में देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, द रिएक्शन कंडीशंस लीड टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl(R)। कौन सा लग रहा है आपको, अनुराधा? ओके, ये कौन सा साइन बन गया? अच्छा डी, ओके, मिस कर गए दोनों के दोनों, अनुराधा ने सही आंसर दिया इसका, ठीक है। देखो अब जो आपने ये कर दिया डी वाला, डी में क्या होता है, जब भी आप लाइट की प्रेजेंस में से करोगे तो ये क्या करेगा, Cl ये सारे रिएक्शन को उठा के ले जाता है। पहले स्टेप में क्या होगा, C2H5Cl बन गया, ठीक है, HCl, फिर ये दोबारा रिएक्शन होती है Cl2 से, फिर ये बन जाता है C2H4Cl2 प्लस HCl, फिर इसमें फिर रिएक्शन, ये तो रिएक्शन चलती रहेगी जब तक इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर ये हो जाएगा C2H3Cl3, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा C2H2Cl4, फिर आगे रिएक्शन कर दो C2HCl5, फिर आगे रिएक्शन कर दो, यानी सी को अलग कर देता है सारा सी को, ठीक है, सी अलग हो जाता है C2Cl6, जितने हाइड्रोजन है सारे निकल गए बाहर, और ये HCl सारे निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो इसमें बेस्ट यील्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में है, फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, तो रिएक्शन चलती चली जाएगी, तो आपको मिक्सचर ऑफ क्या बनते हैं, हेलो एल्केन। इसीलिए कहता है कि ये रिएक्शन को हम कभी भी प्रिफर नहीं करते, इससे आप किसी चीज को नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एक चीज ढंग से बन ही नहीं रही है, कुछ परसेंटेज ये बन रहा है, कुछ ये बन रहा है, कुछ ये बन रहा है, तो ये रिएक्शन को हम कभी भी प्रिफर नहीं करते, किसके लिए, हेलो एल्केन के लिए। अब देखो ये एक्सेस में, तो इसके साथ भी वही हाल होगा जो इसके साथ हुआ है, तो इन दोनों में, इन दोनों का केस सेम हो गया। ये डार्क में है, तो डार्क में रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, इसको जल्दी टूटेगा नहीं, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो इन सब में से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि जब ये एक्सेस में, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो ये जब रिएक्शन करेगा, ये जब रिएक्शन करेगा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि एक ही टूटेगा, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसके कम है, तो ये माइनर की वजह से क्या होगा, ये बनेगा। हालांकि इसमें भी और बनेंगे, C2H4Cl2 भी बनेगा, लेकिन उसमें इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी,
यानी इन चारों में से अगर मैंने कहा बेस्ट कौन है तो ये वाला, बेस्ट तो ये भी नहीं है वैसे भी क्योंकि इसमें भी मिक्सचर मिलेगा, लेकिन मैंने कहा इन चारों में से अच्छा कौन है तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेस में तो इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, सीएल की कम होगी तो सीएल रिएक्ट कम करेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, C2H5Cl बनाने की फर्स्ट वन की। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया या आगे और एक्सप्लेन करा? डार्क में नहीं होगी क्योंकि उसको सीएल टू को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी मिलेगी नहीं तो इसलिए इसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 33 का आंसर। अब आते हैं 34 पे। 34 में बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अनुराधा ओके, और खुशी, लक्ष्मी, खुशी ओके एंड लक्ष्मी, इसका आंसर तीनों ने गलत दिया है। ठीक है, व्हाट अ कोइंसिडेंट, तीनों ने अलग अलग आंसर दिए और तीनों के गलत आंसर है। इसका आंसर हो गया डी, सॉरी सी इज द राइट आंसर। सी, सी क्यों है? देखो क्लोरीन ये एक्सेप्शनल केस होता है, ध्यान रखना, फ्लोरीन और क्लोरीन में से कई बार एक्सेप्शनल केस होता है, किसमें, इजी में, ध्यान रखना, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, ऐसे ही सल्फर ऑक्सीजन में होता है, सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से और हेलोजन का ज्यादा होता है औरों से, इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाता है ClF(SrO)। देखो इजी क्या होता है, इजी होता है एक्सेप्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा जल्दी से। अब देखो फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन छोटा साइज है, फ्लोरीन हो गया 1 और 2, तो इसमें फ्लोरीन के बाहर होते हैं 5-7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो प्लस चार्ज है यानी न्यूक्लियर चार्ज ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा होगा, लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, क्योंकि छोटा साइज है, फ्लोरीन का क्या होता है स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं करने देगा, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ फ्लोरीन, तो हेंस इट्स एक्सेप्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन, तो क्या होगा, द ईजीई वैल्यू ऑफ सीएल इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, और सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑन सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो हेंस द ऑर्डर इज ClF देन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है या रिपीट करूं इससे? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, रिपल्सन यहाँ पे एंटर नहीं हो पाएगा ना, ये तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी इसको, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेप्टिंग पावर कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आता है 35 पे। ये बता दो कि ये एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिकॉज, क्यों होगा ये बताओ, अब बताओ। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिकॉज, ओके लक्ष्मी, एंड और कोई आंसर, खुशी एंड अनुराधा, हाँ तीनों ने सही आंसर दिया। देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो इसीलिए तो क्या होता है, जो प्रेशर कुकर बनाया वो इसी पर्पज से तो बना दिया, वो कहता है प्रेशर कुकर क्यों बनाया आपने, तो वो कहता है प्रेशर कुकर इसलिए बना दिया क्योंकि एक ऐसा बॉक्स बना दिया जिसमें क्या होगा, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हाई कर दो, क्योंकि आपने चारों तरफ से बंद कर दिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, लेकिन ध्यान रखना प्रेशर कुकर में नहीं होता 100, प्रेशर
प्रेशर कुकर में हो गया 130 डिग्री, ठीक है। अब आपने कोई चीज उसमें रखी है 120 डिग्री वाली, तो क्या होगा, वो इजिली बॉयल हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वाटर बॉयल होगा उससे पहले वो चीज बॉयल हो जाएगी। इसलिए तो प्रेशर कुकर में कोई भी चीज क्या होता है, बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। तो उसका लॉजिक क्या है कि जो प्रेशर कुकर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, ध्यान रखना, ठीक है। और जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो क्या होगा, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केवल 70 डिग्री हो गया। अब आप सोच ही नहीं सकते कि 70 डिग्री पे ही बॉयल हो गया, और कोई चीज आपने रखी उसमें 120 डिग्री की, तो 120 में क्या होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वाटर तो बॉयल होता जाएगा लेकिन वो चीज है वो बॉयल हो ही नहीं रही है, क्योंकि उसका तो बॉइलिंग पॉइंट 120 है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसीलिए वहां पे बॉइलिंग क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, तब जाके ये बॉयल हो पाएगा। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है बॉइलिंग करना, ठीक। तो ये प्रेशर कुकर का एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे वो, तो इसका ये लॉजिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 36 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, कौन सा ऐसा है जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होता है। ग्लाइकोसाइडिक मतलब दो जो मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं उसको कंबाइन करने के लिए एक बॉन्डिंग होती है, उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। किसमें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में जब दो कार्बोहाइड्रेट को, दो मोनोसेक्राइड को आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो, तो किस बॉन्ड के थ्रू करते हो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। तो वो कह रहा है इनमें से किसमें प्रेजेंट नहीं है, बताओ आंसर। ओके, खुशी और अनुराधा एंड लक्ष्मी ने सही आंसर दिया है। देखो सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है डाइसेक्राइज्ड, तो जब डाइसेक्राइज्ड होता है तो दो मोनोसेक्राइज कंबाइंड होंगे तो ग्लाइकोसाइडिक से तो कंबाइंड होंगे। एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज होता है पॉलीसेक्राइज्ड, पॉली का मतलब बहुत सारे मोनोसेक्राइज कंपाउंड है, तो इसमें तो बहुत सारे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होंगे, हजारों होंगे। माल्टोज क्या होता है, डाइसेक्राइज होता है, जब डाइसेक्राइज है तो कम से कम एक ग्लाइकोसाइडिक तो लिंकेज होगा ही होगा, क्योंकि एक ग्लूकोज ये है, दूसरा ग्लूकोज ये है, दोनों कंबाइंड किससे होंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से तो कंबाइंड होंगे, ठीक है, तो इसमें तो एक होगा ही होगा। ये क्या है, ये मोनोसेक्राइज है, तो मोनो जो सेक्राइज होता है, ग्लैक्टोज ग्लूकोज, इसमें बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो अकेला है, वो सिंगल ही है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। जो सिंगल वाला होगा उसमें लिंकेज की क्या जरूरत होती है, जो डाई ट्राई टेट्रा पॉली होंगे उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की जरूरत होगी, इसीलिए सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 in CCl4 gives bromo derivatives of alkene. Alkene के bromo derivatives मिलेंगे. The compound will be क्या होगा? Alkene के bromo derivatives मिलेंगे आपको. Okay, लक्ष्मी और नो आंसर, इसका आंसर चलो मैं बता देता हूं, लक्ष्मी ने इसका आंसर सही दिया है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब सी इसका राइट आंसर क्यों है, क्योंकि देखो इसको आपने Br2 से ऐड किया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, एक Br यहां लग जाएगा, एक Br यहां लग जाएगा, तो बन जाएगा CH4, तो इसने गलत लिख दिया, ये बाई मिस्टेक होती है, उसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। एक Br यहाँ चला गया, एक Br यहाँ चला गया, तो एल्केन बन गया ना, वो कह रहा है एल्कीन यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरे में देखो आपने Br2 ऐड करेंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा, एक Br यहाँ आ जाएगा, दूसरा Br यहाँ आ जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड हो गया, Br2 ऐड हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये भी एल्केन बन गया, तो ये वाला आंसर भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में देखो Br2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से क्या होगा, एक ही बॉन्ड तो टूटेगा, तो डबल बॉन्ड बचा रहेगा, और एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा, एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या है, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, यानी एल्कीन है, और ब्रोमो डेरिवेटिव का मतलब Br का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है।
ठीक है, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। इसको भी करोगे तो सेम हो जाएगा, अगर आप इसको बी आर टू एड करोगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सी एस टू बी आर सिंगल बॉन्ड सी एस टू बी आर, तो ये सब एल्केन बनेंगे एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। वो कह रहा है ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एन एल्कीन, तो एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किस केस में होगा, केवल सी वाले केस में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 को हटा दो, इसके आपका कोर्स में नहीं है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन आंसर पे। ओ एनओ बॉन्ड इज मैक्सिमम इन, किस केस में मैक्सिमम होगा, ओके लक्ष्मी, और कोई आंसर, खुशी, अनुराधा, ठीक है, तीनों ने आंसर दे दिए ए बी और डी का आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इन दोनों में, देख लेते हैं, देखो इन तीनों में एक ही जैसा हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाहर आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो जैसे ये किया आपने डबल बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर आ गया, किस केस में, सी के केस में। अब प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहां से दूर चला गया तो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, अब देखो दो लोन पेयर हैं, टू बॉन्ड पेयर हैं और जीरो लोन पेयर हैं, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इसका सोचो आप, टू बॉन्ड पेयर एंड जीरो लोन पेयर, यानी कैसा बन गया, सीधा लीनियर बन गया। ठीक है, लीनियर का कितना होता है, 180 एंगल होता है, तो इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। बी क्यों नहीं होगा, देखो बी में क्या होता है, बी में एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये डबल बॉन्ड बनाएगा भी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, लेकिन एक लोन पेयर तो बच ही जाएगा, ये लोन पेयर इससे अंदर की तरफ धकेलेगा तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा इसका, फिर एनओ का, एनओ टू का, और फिर ये एनओ टू माइनस का। ठीक है, और ये थ्री का है तो थ्री में क्या होता है, यहाँ पे वन, ये आपका ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक, अब ये डबल बॉन्ड होगा तो ये क्या हो गया, क्योंकि फाइव थे और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए, सिक्स का मतलब यहाँ पे तीनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 120 डिग्री का एंगल। तो 120 का मतलब ये कहाँ पे जम कर जाएगा, सीधा इसके बाद, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसका, फिर NO3 माइनस का, फिर NO2 का और सबसे लास्ट में NO2 माइनस का। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको आपको VSC PR थ्योरी से समझना पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रक्चर से, जो डिफरेंट होता है उसमें स्ट्रक्चर से। क्लियर है, यस या नो बताना मुझे, यस सर, आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40, विच केमिकल इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजाइल अल्कोहल। और इसके अलावा विच केमिकल इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजाइल अल्कोहल। ओके लक्ष्मी, और इसके अलावा अनुराधा, हाँ इसका आंसर दिया है लक्ष्मी ने, सही आंसर दिया इसका। देखो इसको मैंने आपको शायद प्रैक्टिकल में भी बताया होगा कि जो फिनॉल होता है आपके पास, अगर ये फिनॉल को आपने FeCl3 के साथ रिएक्शन करवा दी, ये C की स्पेसिफिक रिएक्शन होती है फिनॉल की, तो ये लगभग क्या बनाता है, वायलेट कलर दे देता है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी जो भी ये बेंजाइलिक अल्कोहल होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल होता है C2H5OH, तो ये अल्कोहल है, ध्यान रखना ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, तो जो अल्कोहल होगा वो रिएक्शन नहीं करता है FeCl3 के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, तो ये हो गया FeCl3। एडोफॉर्म टेस्ट तो इन दोनों में से कोई भी नहीं देता है। ठीक है,
एडोफॉर्म टेस्ट क्या है, ये दोनों में से कोई भी नहीं देगा एडोफॉर्म टेस्ट, ना तो ये देगा ना ये देगा, क्योंकि एडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या जरूरी होता है, एडोफॉर्म टेस्ट वही देता है जिसके पास होता है CH3CO ग्रुप, और ये किसी के भी पास नहीं है दोनों में से, तो इसीलिए एडोफॉर्म टेस्ट दोनों में से कोई नहीं देगा, ठीक है। तो और ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज होता है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है कौन सा हो गया, FeCl3। ठीक, अब आता है 41 में कह रहा है, इन द एडिशन ऑफ SBr2 प्रोपीन इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द एडिशन ऑफ, इसमें ये बोलो मार्कोनिक ऑफ रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें पहली स्टेप में कौन ऐड होता है ये बताना आपने, इन फर्स्ट स्टेप विच वन इज एडेड, अनुराधा ओके, और खुशी, और हाँ वेरी गुड, तीनों ने सही आंसर दिया, प्लस एच प्लस, तो जहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा अगर ये मार्कोनिक ऑफ रूल है तो पहले अटैक करेगा एच प्लस, उसके मजबूरी है क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे माइनस चार्ज कभी भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि माइनस माइनस रिपेल करेंगे, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, Br को यहाँ से क्या करेगा बाहर कर देगा, तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहले उसमें अटैक कौन करता है, प्लस वाला अटैक करेगा क्योंकि माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बताना आपने अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स XeO3 XeOF4 XeF6 दोस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन XeR, इसमें सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। ओके, और कोई आंसर, अनुराधा, खुशी एंड तुम तीनों ने सही सेम आंसर दिया है, बट आंसर इस, देखो मैं आपको बता देता हूं फिर से तरीका क्या, आप थोड़ा सा मिस कर गए इसको, विस्पर तुरी एक बार मुझसे पढ़ लेना फिर से, देखो जिनोन होता है, जिनोन के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अभी मैंने कहा कि ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है, तो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो गया, यानी कैसा हो गया ये हो गया पिरामिडल, पिरामिडल हो गया। दूसरा देखो XeOF4, Xe के बाहर 8 होते हैं, 1 2 3 4 के साथ तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चलेगा इसके, 6 इलेक्ट्रॉन चलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इसके पास भी एक 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये भी 1 हो गया। XeF6 देखो, Xe के बाहर होते हैं 8, लेकिन ये 6 फ्लोरीन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 तो 6 तो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, और इसके बाहर कितने होते हैं 8, यानी कितने बच गए इसके पास, एक लोन पेयर तो बच गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टेडल बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, तीनों इसके आंसर हो जाएंगे, तीनों में 1 1 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, कोई डाउट, 42 का आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों आंसर हो जाएंगे, बताओ आ गया या रिप्लाई वो करूं से रिपीट करूं? यस सर आ गया ना, ठीक है फिर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे, ये तो हमने पहले भी रिपीट किया था, एक बार फिर भी बता दो आंसर क्या कर सकते हो, मोस्ट सुटेबल मेथड टू सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1, हाँ तो इसका आंसर है स्टीम डिस्टिलेशन इज द राइट आंसर, ठीक, स्टीम डिस्टिलेशन क्यों है, क्योंकि जो ऑर्थो वाला होता है, ऑर्थो में होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें वीक होता है ये, जल्दी टूट जाएगा, तो ये स्टीम वोलेटाइल होता है, ऑर्थो वाला कैसा होता है, स्टीम वोलेटाइल, यानी स्टीम से ये वोलेटाइल, यानी इसके वेपर्स बन जाते हैं, और जो पैरा वाला होता है उसमें होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो ये टूटेगा नहीं, यानी ये स्टीम नॉन वोलेटाइल होता है, तो ये स्टीम डिस्टिलेशन से दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 44, जर्मिनल डाइहैलाइड किसे बोलते हैं, 44 जर्मिनल डाइहैलाइड इज,
जेमिनल डाइहेलाइड इज, ओके तीनों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों सीएल ग्रुप होते हैं, तो ये डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक ही कार्बन पे यहाँ पे दोनों सीएल एक पे अटैच है, इसे कहते हैं विसिनल। ये भी विसिनल और ये भी विसिनल, जब एडजेसेंट में होते हैं तो विसिनल, और जब एक में ही दोनों लगे होते हैं तो जेमिनल।